रहे हैं हिंद 24 टीवी। भरौर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बॉर्डर पर चल रहे धरने के विरोध में स्थानीय लोगों को धरना खत्म करने को लेकर महापंचायत चल रही है। हरियाणा के ग्रामीणों ने दो दिन पहले राजस्थान हरियाणा प्रशासन को रविवार तक का समय दिया था कि हाईवे पर बैठे किसानों का धरना समाप्त करने की बात कही थी, लेकिन रविवार तक राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर बैठे किसानों का धरना समाप्त नहीं किया गया, जिस पर आज फिर से 84 गांव के किसान बॉर्डर पर आमने सामने हो गए हैं। हरियाणा के स्थानीय लोगों ने भी बॉर्डर पर मंच लगाकर विरोध जताने में जुट गए हैं, जिसको लेकर हरियाणा राजस्थान प्रशासन अलर्ट हो गया है। दोनों ओर भारी पुलिस बल मौजूद हैं। हरियाणा के लोगों ने कहा कि जिस तरह दिल्ली से 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान किया गया है, वो किसान नहीं है, वो लोग देशद्रोही हैं जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। बॉर्डर पर जो धरना दे रहे हैं वो किसान नहीं, राजनेता हैं, यहाँ धरना देकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। पाकिस्तान से न्याय चल के अमेरिका ने नहीं दिया, इस सरकार ने दिया, इस सरकार के मुखिया ने दिया। मुखिया कौन है? हम सब हैं यार भाई। भाव बढ़िया, दो हजार रुपए किसानों के खाते में आ रहे हैं। बिल पास हुआ, सही हुआ, फिर रख ना भाई, वापिस लो। क्यों भाई? जो कह रहे हैं वापिस लो। मैं उनसे सवाल करता हूँ, क्या वो देश के प्रधानमंत्री है? क्या वो आम जनता है? आम जनता जरूर है वो, लेकिन 130 करोड़ की आबादी के अंदर आपको मैं चैलेंज करता हूँ, अगर 5 लाख से ज्यादा आदमी हिंदुस्तान में धरने में बैठे हो तो मेरे को बता देना। ज्यादा योगेंद्र यादव जी, श्री योगेंद्र यादव जी का एक ही काम है, केवल हमेशा झूठ झूठ झूठ। उनका काम सिर्फ हमेशा सभी झूठ बोलने का है। आप खुद यहाँ पर हैं, आपको मालूम है, किसी आदमी पता है जरा आश्वासन दिया है। अगर अभी दोनों उधर के अधिकारी राजस्थान के और इनकी वार्तालाप चल रही है और समस्या का हल कल परसों तक समाधान हो जाएगा और एक लाइन सर्विस लाइन और खुल जाएगी। दोनों आश्वासन नहीं दिया है। आज शाम तक उसके बाद अगर होता है 11 सदस्य कमेटी बनाई है, वो कमेटी जाकर फिर ऊपर लेवल मिलेगी। अगर नहीं होगा फॉलो तो उन्होंने ये बोला है साहब ने, अगर दोनों अधिकारियों की बात चल रही है राजस्थान और हरियाणा के, और उन्होंने बोला जी कल परसों तक ये सर्विस लाइन दोनों खुल जाएंगी। कमेटी की ओर से जैसे जनप्रतिनिधियों को शामिल करने की बात थी, जनप्रतिनिधियों तक बात करने की, सरकार के राजस्थान सरकार हरियाणा सरकार तक बात थी, वो कहाँ तक सिरे चढ़ रही है? जनप्रतिनिधि तो जो कमेटी के मेंबर बनाए हैं, वो तो कमेटी के मेंबर पहले, हम तो देखो आपको पता है हाउल हम करते नहीं है, शांतिपूर्वक बात है। हमारा आज का उद्देश्य था इसका खुलवाने का और उधर उनके बात करने का, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ने आश्वासन दिया है अगर दोनों तरफ वार्तालाप चल रही है, ये कल परसों तक हर हालत में समस्या का समाधान हो जाएगा। किसान ने जवान जो है ऊपर जो कंटेनर वहाँ पर रखे हुए हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर भी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो है वो वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अब जो दूसरी तरफ जो हरियाणा की साइड है वहाँ से भी गाँव के उससे निकल के आए हैं, उसकी एक शाखा मात्र है। हिंदुस्तान की सरकार एक संगठन की शाखा है, आरएसएस के 200 तरह के संगठन हैं, वो वहाँ नागपुर से इनको नियंत्रित करते हैं। और ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हिंद 24 टीवी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।